हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलंकार बुटीक। आज मैं बना रही हूँ ब्लाउज की डिज़ाइन, जो कि बहुत ही सुंदर है और थोड़ी हैवी डिज़ाइन है ये। तो इसमें जो पहले से साड़ी में लगी हुई थी लेस, उससे ही मैचिंग मैंने भी लेस लिया, और उसमें जो पाइपिंग यूज़ किया वो पाइपिंग लिए, और रेड कलर के कपड़े यूज़ की हूँ क्योंकि रेड कलर की साड़ी है इसकी और ब्लाउज पीस ग्रीन कलर का दिया है, तो इसलिए रेड को कॉम्बिनेशन करके डिज़ाइन बन रहा है। तो सबसे पहले बकरम लेंगे, उसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद उसमें मटका शेप देंगे। मटका शेप देने के बाद उसे 1.5 इंच चौड़ा नीचे से एक लाइन देंगे और ऊपर की तरफ 1 इंच भी रखेंगे चलेगा, नीचे की तरफ 1.5 इंच ही होना चाहिए ताकि ये डिज़ाइन और उभरेगा। फिर इसे कट करके निकाल लेंगे। अगर आप पेस्टिंग बकरम पे ये गला कट किए हो तो आप इसे पेस्ट कर ले, और नहीं तो फिर इस पर मशीन चलाकर इसे बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसे दोनों तरफ से 1/2 इंच पर कट कर इसे निकाल लेंगे। कट होने के बाद अब उरेबी कपड़ा लेंगे बायस में और डोरी बनाएंगे। डोरी थोड़ी मोटी रहने से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा पतली डोरी इसमें अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने 1 चाप का डोरी बनाया है और इसे 1 इंच जितना छोटा कट करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये जो डोरी है उसको गले की जो किनारी है हमारी उस पर बैठा लेंगे, और 1/2 इंच जितना ही निकला हुआ होना चाहिए। 1/2 इंच से ज़्यादा रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने बकरम लिया और उसकी जो किनारी है उस पर अब ये ऐसा फोल्ड कर पूरे किनारे में बैठाएंगे। तो जब तक ये बैठ रहा है फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब एक किनारे में ये मैंने डोरी बैठा चुकी हूँ, तो दूसरे पे मैं पाइपिंग का यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन कलर की पाइपिंग है, ये रेडीमेड पाइपिंग है। तो 1/2 इंच जितना मैंने साइड में छोड़ा था उसके ऊपर ही मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। बकरम पे सिलाई नहीं लगाना है। अब जो पीछे का भाग है उसे उल्टे तरफ में ये गला बैठा रही हूँ, सीधे साइड में नहीं बैठा रही, उल्टे तरफ में बैठा रही हूँ। और अब बकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद इसे भी 1/2 इंच छोड़कर कट करके निकाल लेंगे। कट होने के बाद छोटी छोटी कट लगा लेंगे गोलाई शेप में, और फिर इसे पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद मैं एक छोटा सा टुकड़ा लियो बकरम का, इसमें गला का शेप दे लेंगे। शेप देने के बाद इधर भी ऐसा राउंड शेप दे देंगे दूसरी तरफ, और इसे कट करके निकाल लेंगे। ये 2 पीस में कट हो रहा है। कट होने के बाद इसे लाइनिंग कपड़े के ऊपर बैठा लेना है। अब साड़ी वाला जो कपड़ा था हमारा, मतलब ब्लाउज पीस का, अब उसको इस पे बैठाना है और एक तरफ ही सिलना है, दूसरी तरफ खुला रहेगा। सिलने के बाद उसे पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद दोनों पीस इसी तरह से बनेगा, और अब इसकी जो पलटी वाली किनारी है उस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगने के बाद एक छोटा रेड कपड़ा लेंगे, उस पर नीचे बकरम डालेंगे। बकरम डालने के बाद इसे स्क्वायर सिल लेंगे। सिलने के बाद उसको इसके ऊपर इस तरह से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसमें भी किनारे में लेस लगा लेंगे। लेस लगने के बाद इस जो मैंने पहले गला बनाया था उसको इसके ऊपर रख कर सिल लेंगे। सिलने के बाद इसमें जितने भी किनारे हैं उसमें लेस लगा लेंगे। लेस बहुत सस्ती है, 5 रुपये में मिल जाती है ये लेस। तो आपको जहाँ जहाँ लगाना है आप इसे लगा सकते हो। तो मैंने जो अब लुक बनाया था अब उसमें मैं डोरी डालूंगी। ये डोरी मैंने रेड गोल्डन कलर के लिए, और ये रेडीमेड डोरी है। तो पिन की मदद से मैं इसमें डोरी लगा लूंगी। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही टाइम लगा है। जिन लोगों को बहुत हैवी डिज़ाइन पसंद है ये डिज़ाइन उन लोगों के लिए है। ये थोड़ी पार्टी वेयर डिज़ाइन है, तो अगर आपकी भी पार्टी वेयर साड़ी हो तो प्लीज़ ये ट्राई करें। और अब मैं बीच में वही गोल्डन डोरी यूज़ कर रही हूँ जो रेडीमेड डोरी था। पहले मैंने बीच में उसे ऐसा टक किया, और उसके बाद इसे ऐसा घुमाना है और दूसरी तरफ भी ऐसे घुमाना है,
घुमाकर बीच में से सर्कल बनाना है और सुई से इसे भी टक कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। ऐसा सेम हमें पूरे नीचे तक करना है। और ये जो सर्कल बन रहा है अब उसमें मैं स्मॉल साइज की मोती लगाऊंगी, तो अभी थोड़ा टाइम है उसमें, तब तक इसको फटाफट बढ़ा लेती हूँ। और ये जब यहाँ एंड हो रहा है इसका, यहाँ पे एक छोटा सा बो बनाऊंगी। और इसे भी सुई से ही टक कर लेंगे। और आप चाहो तो इसके साइड साइड में भी टक कर सकते हो ताकि ये डोरी उठे ना। और अब इसमें स्मॉल साइज की जितने भी सर्कल बने हैं उसके बीच सेंटर में ये स्मॉल साइज की मोती लगा रही हूँ। थोड़ा डिज़ाइन बनाने के लिए पेशेंस चाहिए होगा क्योंकि ये डिज़ाइन बनने में बहुत टाइम लगा था। और अब एक छोटा सा स्क्वायर पीस लेंगे और यहाँ पे छोटा सा एक फुंदर बनाएंगे और वैसे ही दूसरे वाले में बना लेंगे। बनने के बाद ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। और ये डिज़ाइन अब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।